वेलकम माई फ्रेंड्स टू प्रांजल कुक बुक। और आज ऑन डिमांड हम एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट है, और साथ ही साथ हम उसको आसानी से घर में सिंपल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी बर्गर, जिसको ना तो हम मैदे से बनाएंगे और ना ही आटे से। हाँ, ना मैदे से और ना आटे से। तो चलिए ये जानते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी है, एट द सेम टाइम बच्चों की जंक फूड की जो क्रेविंग है उसको भी सेटिस्फाई करती है, और एक मदर हार्ट को ये सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ, हमने आज एक हेल्दी फूड अपने बच्चे को खिलाया। तो चलिए जानते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरी दही, 1 कप कर्ड, और एक कटोरी ही सूजी ले लेंगे। सूजी हम यहाँ पर बहुत बारीक या मोटी नहीं लेंगे, हम बिल्कुल मीडियम सूजी ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम ले लेंगे एक छोटा शिमला मिर्च कटा हुआ बारीक कटा हुआ, एक छोटा प्याज, एक छोटी गाजर जिसको हम ग्रेट कर लेंगे, 2 क्यूब या 2 स्लाइस चीज़ ले लेंगे हम, एक छोटा आलू ले लेंगे, इसको भी हम मैश या ग्रेट कर लेंगे, और हम 1 चम्मच मक्खन ले लेंगे जिसको मैंने 2 भागों में यहाँ पे बांट रखा है, एक गार्निशिंग के लिए और दूसरा हमारी स्टफिंग के लिए। हम नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हम सोडा ले लेंगे, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और चुटकी भर हींग ले लेंगे। इसके अलावा हम ले लेंगे 1/4 चम्मच तिल, 1/4 चम्मच ब्लैक सीड्स कलौंजी, और 1/4 चम्मच जीरा, और कुछ पेपर कप्स ले लेंगे जिसमें हम बर्गर बना पाए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा इस रेसिपी का ये रहेगा कि हम कर्ड और सूजी को मिक्स कर लेते हैं। ये बेहतर होगा कि अगर हम इसको मिक्स करके 1-2 घंटा रख पाएं। मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पर मैं पानी नहीं मिला रही हूँ। अगर आपका कर्ड ज़्यादा पानी वाला है या थिक ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप कर्ड की मात्रा सूजी के हिसाब से बड़ा या कम कर सकते हैं, और इसको उस प्रोपोर्शन तक ला सकते हैं जैसा आप मेरा फाइन मिक्सचर देख रहे हैं। सूजी इस कर्ड को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बाद में हम थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन इस टाइम पर हम इसको इस तरह से मिक्स कर रख देंगे। हम चाहें तो नमक अभी डाल सकते हैं या हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी का अब दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। हम पहले कढ़ाई रख लेंगे और इसको मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ तेज पर। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, और फिर जो मक्खन हमने रखा हुआ था वो डालेंगे। आप मक्खन की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, ये फ्लेवर को अच्छा करता है, और इस तेल चाहे तो ना भी डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा डाल के उसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने दूंगी मैं, और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। इस समय मेरी गैस तेज है और मैं तेज पे ही इस प्याज को हल्का सा पिंक होने दूंगी। जब प्याज थोड़ा सा पक जाए तो मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूंगी। मेरे को प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं गाजर भी डाल देती हूँ। मुझे इन दोनों को सिर्फ उतना ही सॉटे करना है जितना इनका पूरा कच्चापन सेमी हो जाए और इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए। जैसे कि जब मैं स्टफिंग को अपने सूजी में स्टफ करूं तो ये अपना पानी ना छोड़े। तो मैं इनको अच्छी तरह से यहाँ पर सॉटे कर लूँगी और इसको पानी उड़ने तक तेज पर थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी। इस टाइम पर मैं इसको रख कर छोड़ूंगी नहीं। और इसके साथ ही मैं आप आलू मैश करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आलू डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, जैसे आलू सारी सब्जियों को अपने आसपास चिपका ले और एक के अच्छी सी वेज कटलेट का स्टफिंग की तरह बन जाए। इस समय मैं इसमें सूखे मसाले जैसे हींग, पाव भाजी मसाला और लाल मिर्ची इसे डाल दूँगी। आप ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पर अभी तक नमक नहीं डाला है, और मैं नमक इसमें अभी नहीं ऐड करूँगी। मैं सारे सूखे मसाले डालकर अब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी है, तो
अभी हम अपनी कढ़ाई या पैन गरम करने के लिए रख लेते हैं, अगर हम गैस पे बना रहे हैं। अगर हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो हम उसको भी प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको भी प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। गैस पे मैं कढ़ाई को हाई फ्लेम पर एक 5 मिनट, 3 से 4 मिनट तक रख रही हूँ गरम करने के लिए, और ओवन को भी इसी तरह से, या एयर फ्रायर को मैं यहाँ पर 140 डिग्री पर 5 मिनट के लिए गरम करने के लिए रख रही हूँ। अब जब तक मेरा स्टफिंग थोड़ा ठंडा होता है, मैं अपना सूजी का मिक्स देख रही हूँ कि थोड़ा फ्लफी और अच्छा सा हो गया है, और मैं इसमें थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच पानी मिक्स कर रही हूँ और इसको पोरिंग स्टेट का ले रही हूँ मैं। इसे बहुत लिक्विड भी नहीं करना है, मैं इसको सिर्फ जैसे हम पोर करें तो अच्छी तरह से गिर पाए उतना स्टेट का लेने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच कुकिंग सोडा ले लिया है। ये बर्गर को फूलने पे हेल्प करेगा। इसके अलावा हम और कोई भी स्टफ इसमें नहीं डालेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर वगैरह। कुकिंग सोडा के साथ मैं थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल के सोडा और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि सोडा कहीं पर लम्प्स नहीं होगी। आप चाहें तो एक कटोरी में भी तेल लेकर और उसमें सोडा मिक्स करके डाल सकते हैं। उससे ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और अच्छा फूलता है। सोडा डालने के बाद आपको इसको अच्छा तरह से फेंटना है, खूब अच्छे से फेंटना है, और ये जो मिक्सचर है आप अगर नज़दीक से देखेंगे तो काफ़ी फ्लफी होने लगेगा। देख रहे हैं आप कि ये कितना ही, जैसे कि हमारा ब्रेड ब्रेड या फिर पाव का डो होता है, ब्रेड का डो होता है, उस तरह से ये अच्छा फ्लफी हो गया है। अब मैं अपनी स्टफिंग में यहाँ पर नमक मिला देती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करके उसके छोटे छोटे कटलेट की फॉर्म में बना के रेडी रख लेती हूँ, कुछ इस तरह से। अब हमारा फाइनल स्टेप यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो हमने पेपर कप्स को पहले ऑयल से ग्रीस करना है, और उसके बाद हमारी जो सूजी और दही को जो हमने फेंट कर रखा है तो उसको 1-1 चम्मच हम कप्स में पोर करेंगे। उसके बाद हम अपनी चीज़ डालेंगे, चीज़ ऑप्शनल है, किसी किसी को अगर चीज़ ना पसंद हो तो वो चीज़ ना डालें। और उसके बाद हमने जो कटलेट के शेप्स बनाकर रखे हैं मिक्सचर को, उसको हम उस चीज़ के ऊपर रख देंगे। अगर हम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम बिना स्टफिंग के सिर्फ चीज़ डाल के भी दूसरी लेयर डाल सकते हैं। और अब मैं इनके ऊपर दूसरी लेयर सूजी के आटे की पोर कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको टैप कर लूँगी जैसे ये फिलिंग को कवर कर ले और पूरी तरह से अच्छा देखिए। अगर आपको लगता है कुछ और थोड़ा और डालना पड़ेगा तो डाल के थोड़ा उसको टैप करके एक एक तरह का कर लीजिए। तो इसी तरह से मैं सारे कप्स रेडी कर दूंगी और उनको ऊपर से या तो चम्मच की सहायता से इस तरह से कीजिए, या फिर आप उसको टैप करके भी एक लेवल का कर सकते हैं। मेरे सारे कप्स रेडी होने के बाद मैं इसको ऊपर से तिल और ब्लैक सीड से गार्निश कर दूंगी, और अब ये तैयार है पूरी तरह से ओवन में जाने के लिए। छोटे बच्चों को बहुत बार इच्छा होती है कि हम वही खाएं जो बड़ों की प्लेट में है, तो अगर आप देखते हैं तो उनके लिए हमने छोटे कप्स बनाए हैं जिसमें हमने स्टफिंग या फिलिंग नहीं भरी है जो हमको अलग से पता चल पाए, और बड़े कप्स में हमने स्टफिंग की है। तो अब मेरी कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है तो मैं इसमें अपने कुछ कप्स प्लेस कर रही हूँ। सिमिलरली मैं अपने बाकी के कप्स एयर फ्रायर में प्लेस करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से सेट हो गए हैं। अब मैं अपने बाकी के कप्स एयर फ्रायर की ट्रे में रख रही हूँ। ये काफ़ी गर्म है तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, और 160 पे फिर से मैं 7 मिनट्स के लिए इसको बनाने के लिए रख दूंगी। आप बीच में चाहें तो इसको निकाल कर देख सकते हैं। 5 मिनट के बाद मैं फिर से इनको ओपन करूंगी और बटर से गार्निश कर दूंगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारी ऊपरी लेयर जो है वो थोड़ी सेट हो गई है, और ब्रश या किसी चीज़ के लगाने से वो टूटेगी नहीं, तो हम उस टाइम पर उसको निकाल के
ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। बटर से गार्निश करके फिर से हमें उसको 2 से 4 मिनट रखना पड़ेगा, जिससे वो हमको अच्छा सा टेक्सचर दे। मैं एयर फ्रायर वालों को भी बटर लगाकर रख दूंगी और 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और ऊपर से ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। मैं इसमें एक टूथपिक डाल के यह चेक करूंगी कि अंदर तक पक गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं मेरी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। इसी तरह से मैं अपनी कढ़ाई से भी निकाल कर बन को चेक कर लूंगी और देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ गई है। इसका मतलब सूजी अंदर तक पक चुकी है। तो अब तैयार है, हम करते हैं सर्विंग की तैयारी। तो मैं इस तरफ से अपने कप्स को खोल लेती हूँ और आप देख सकते हैं ये कितनी फ्लफी एंड सॉफ्ट ब्रेड का टेक्सचर बन गया है यहाँ पर। और आपकी स्टफिंग वेजीज भी इसके अंदर हिडन है प्लस चीज के साथ। तो चलते हैं इसकी सर्विंग करते हैं। तो तैयार हैं आपके हेल्दी घर पे बने हुए सेहतमंद बर्गर, जो आपके बच्चों को टेस्ट देंगे और आपको हेल्थ सेटिस्फैक्शन देंगे। प्लीज़ इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रेसिपी। So dear friends, subscribe my channel to get more and more videos. So whenever I share any videos, you will be getting an alarm if you subscribe. And do share your feedback in comment section. You can also navigate to my Facebook page using the link given below. Thank you friends. See you again. Bye-bye.